हेलो। हेलो, आप लिखा बाइबल गॉड का बुक ने लिखा, आप लिखा था अभी लेटेस्ट पोस्ट आपका, उसमें जो आप बोलता एक जाकिर नाइक का टीचर, उसको आप बोला कि बाइबल है गॉड बुक में लिखा आप। अब हम प्रूफ करता न्यू टेस्टामेंट आप पढ़ता, तो न्यू टेस्टामेंट टोटल यीशु के बारे में, हमारे प्रभु यीशु के बारे में लिखा टोटल, ठीक। वो तो किसके बारे प्रभु में क्या यीशु लिखा है वो सब मैं जानता हूँ, मैं जान करके लिखा हूँ। वो तो आप देखना, बाइबल का प्रभु विरोध, यीशु जो बाइबल, ईश्वर, आप देखना ईश्वर, प्रभु यीशु ईश्वर, ठीक। ईश और वर हिंदी में बोलता, हम हिंदी इतना जानता नहीं, पर वर मीन है जो उसको कट करता, ठीक है। ईश ईश मीन है ईशु, ठीक। तो ईश ईशु वर अरे एक्सेप्ट किस करना है, ठीक डिक्शनरी में पढ़ा है ईश मीनिंग इशू होता है। वो चुतियापना का है। काम हमसे ही करने लगे हो। मैं तो तुम्हारा पक्ष, वो जो अहमद दीदार जो है उसने एक इजहारुल हक करके एक किताब वो लिखी थी, उसमें उन 1843 में उस पुस्तक को पढ़ करके उसने ईसाइयों के साथ, पादरियों के साथ उसने डिबेट किया। उस डिबेट में उसको इस्लाम वालों ने इतना आगे ले गया। इतना स्पीड हिंदी बोलता, थोड़ा धीरे धीरे बोलना, हम आपको बताता। देखो हमें मैं हमें ना, हमें सुनना नहीं है, हमें सुनना नहीं है, हमको मालूम है, हमको परमेश्वर बता। अरे भाई बताना तो का उसको, ओनली बताना उसको ओनली पढ़। सन, ओनली सन परमेश्वर है, ओनली सन प्रभु यीशु, ठीक। प्रभु यीशु ओनली सन है, तो परमेश्वर है। जब मदर मैरियम उधर फूक मारा तो प्रभु यीशु आता, ओनली एक फूक कहाँ मारा? तो उनका जो अपना ब्रेस्ट के क्या बोलता, उसका वो कहाँ? पेट पे मारा, पेट पे मारा, पेट पे। पेट पे फूक मारा, ठीक है। पवित्र आत्मा, वो एक फूक मिनट पवित्र सुन आत्मा यार, था। आहिस्ता आहिस्ता चलो ना, हम ठीक पहुंच जाएंगे जगह में। पेट में फूंक मारा जो एक पवित्र आत्मा सोना, भाई मेरा, पवित्र आत्मा मैं परमेश्वर, वही पूछ रहा हूँ आपसे कि पवित्र आत्मा को प्रभु ने फूंक मारा मरियम के पेट में। परमेश्वर योगा हमारा, हाँ परमेश्वर यहोवा ने पेट में फूंक मारा। पवित्र आत्मा एक होना ना, अबे पवित्र आत्मा होने तो के अभी पेट में छोड़ यार, फूंक किसने मारी वो बताओ? परमेश्वर परमेश्वर हमारा, परमेश्वर हमारा, मारा। अच्छा, फूंक मारने के लिए शरीर हाथ होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जैसा हमारा और आपका है ऐसा शरीर वाला होना, शरीर वाला के बगैर फूंक मार सकता है कोई? वो क्वेश्चन ये है, बाइबल गॉड का बुक है, आपको बोला है गॉड भाई बुक में। गॉड का मानो चाहे तुम डॉग का मानो, उसमें हमारा अंतर नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ खाली मानने से तो नहीं होगा ना, उसका प्रूफ चाहिए, तो प्रूफ तो देना पड़ेगा ना, युक्ति तर्क और परमेश्वर है, परमेश्वर का बॉडी नहीं, परमेश्वर का बॉडी नहीं, हाथ बॉडी नहीं पैर तो फूक परमेश्वर का नहीं, फूक बॉडी नहीं तो फूक कैसे मारा भाई? परमेश्वर पूरा वर्ल्ड क्रिएट किया करता है, पूरा भाई वर्ल्ड मेरे है ये आपने परमेश्वर। अभी बोला फूंक मारा है, आपने अभी बोला फूंक मारा है, तो फूंक मारने के लिए तो शरीर चाहिए ना, और जब परमेश्वर का शरीर नहीं है तो वो कैसा फूंक मार सकता है? एक बात बताना, आपका जो आपका बेटा होता है उसको कांटा चुभता है तो आप बहुत परेशान होता होता नहीं होता। हमारा परमेश्वर है, अपना ओनली सन को हमारा पाप माफ करना और सूली चढ़ाना, ठीक है। हमारे हमारे खातर, हमारे ओनली मैं सन को, ठीक क्या किया है। वो मैं जानना नहीं चाहता, परमेश्वर ने क्या किया। मैं कह रहा हूं कि फूंक मारना ये शरीर के बिना होना संभव है? परमेश्वर जो परमेश्वर है, क्या था तो सब कुछ होता, ठीक। कैसे सब परमेश्वर कुछ, क्या ना, सब कुछ कैसे हो जाता? आज तक सूर्य दूसरा कोई नहीं बनाया, और आकाश दूसरा कोई नहीं बनाया, दुनिया और इस दुनिया में जितने सामान है उसका तो कोई गॉड आप दूसरा? सुनो, आप फर्स्ट फर्स्ट चैप्टर करता है, तो फर्स्ट चैप्टर में बताया उसने तो भाई कैसा कैसा बनाता है, हम पांच और चैप्टर दूसरे पढ़े वर्ल्ड चाहे दस कैसा। चैप्टर पढ़े, मैं ये बोल रहा हूँ कि अब छोड़ो 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 शरीरधारी छोड़ो के छोड़ो, बिना। अब गॉड वो आप देखना था, न्यू टेस्टामेंट है पूरा, प्रभु यीशु ईश्वर, ठीक। भाई मेरा, मैं भाई हमें समझाओ ना जरा, हमें बात तो दिमाग में आए ना। तो फूंक मारने के लिए पेट में